हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चार का चल रहा है और सारणिक है। सारणिक में 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुकी है और आज है आपकी विविध यानी मिसलेनियस और उसमें है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। देखिए डेल्टा बराबर 1 + a b और c, a 1 + b c a b और 1 + c का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका बाई ऑपरेशन करते हैं। R1 times 2 R1 minus R2, यानी कि R1 को R2 से घटा दूं तो a से a खत्म हो जाएगा और R2 को R3 से घटा दे एंड R2 times 2 R2 minus R3 संक्रिया। संक्रिया ये लगाएंगे कौन सी, R1 times 2 R1 minus R2 and R2 times 2 R2 minus R3। तो देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा आपके पास में 1 + a, R1 क्या है 1 + a - R2 - a, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 b और ये आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा b से b खत्म हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा और c से c खत्म हो जाएगा 0। अब देखिए R1 हो गया, अब R2 पे लगाएंगे तो देखिए a - a 0, यहाँ से 1 + b - b 1 और c यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा c और -1 - c, c से c कटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और R3 में कोई चेंजमेंट नहीं है तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे b और 1 + c। देखिए मैंने जो संक्रिया लगाई है, जो ऑपरेशन किया है इसका, R1 times 2 R1 minus R2, यानी कि इस a को खत्म कर दिया 1 + a - a, R1 क्या है 1 + a - R2 - a, तो a से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए b, ये R1 की जगह आ जाएगा b माइनस 1 - b, b से b कट जाएगा माइनस का 1 बचेगा, c R1 क्या है c और R2 भी क्या है c - c 0। अब देखिए संक्रिया R2 में लगी है, चेंजमेंट होगा R2 में, R2 - R3 की है यानी a और a को कटाया तो 0, 1 + b - b यहाँ से 1 आ गया, c - 1 - c, c से c कट जाएगा माइनस का 1 बचेगा और R3 को में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो R3 ऐसी की ऐसी आ जाएगी a b 1 + c। अब देखिए अगर मैं c2 को और c1 को जोड़ दूं तो देखिए क्या बढ़ता है, बाई ऑपरेशन c2 times 2 c2 plus c1, यानी कि ये 0 कर दूं मैं, यानी कि ये प्लस करते ये क्या हो जाएंगे 0 आपस में, तो a की मैं इसमें संक्रिया लगा दी है, संक्रिया c2 times 2 c2 plus c1। देखिए डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, चेंजमेंट किसमें होगा, ओनली c2 में होगा तो c1 और c3 ऐसी की ऐसी आ जाएगी 1 0 a। ये देखिए c2 माइनस 1 है और प्लस का क्या है, c1 क्या है प्लस का 1 है, -1 + 1 0, 1 + 0 1 और b + a, यानी कि इसको मैं लिखूं a + b, ये आपस में जुड़ेंगे दोनों क्योंकि c2 प्लस c1 है, c2 b है, c1 a है, तो b + a हो गया, यानी a + b लिख दो या b + a। तो देखिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो ये ऐसा का साथ है -1 और 1 + c। अब देखिए R1 में हमारे पास में 2 0 आ गए तो मैं सबसे ज्यादा 0 है उसी को ही प्रसार करूंगा। तो देखिए R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग
अलोंग आर वन। देखिए आर वन के अनुदिश अनुसार करेंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा बराबर, यानी कि आर वन के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये पूरी रॉक खत्म हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और ये पूरी कॉलम चली जाएगी। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी एक एक आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा वन प्लस सी, वन प्लस सी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस सी, इस साइड करेंगे तो माइनस का, तो माइनस पहले ही है तो प्लस ए प्लस बी, क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस बी। तो एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस ए प्लस बी और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव करना आपको माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर और बी सी सी ए सी बी और माइनस का सी स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूवमेंट करना है आपको। क्या करना है, प्रूव करना है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इस डिटरमिनेंट से आपको ये प्रूवमेंट करना है। तो देखिए इसको प्रूव करेंगे तो देखिए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा ये माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये ए बी, ये माइनस बी स्क्वायर, ये बी सी, ये सी ए, ये सी बी और माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको, अब इसमें देखते हैं तो देखिए क्या है, R1 को देखिए, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए बी है और इसमें ए सी है, यानी कि इसमें ए कॉमन आ सकता है R1 से, R1 से ए कॉमन आ सकता है और R2 से बी कॉमन आ सकता है, R2 से बी कॉमन आ सकता है, R3 से सी कॉमन आ सकता है, यानी R1 R2 R3 से A B C कॉमन ले सकते हैं। अब ऐसे देखते हैं इसके कॉलम देखते हैं, देखिए इसमें भी क्या है, A C1 से A कॉमन आ सकता है, C2 से B कॉमन आ सकता है और C3 से भी C कॉमन आ सकता है। आपकी इच्छा हो वो संक्रिया आप यूज कीजिए, इसमें दोनों तरफ से आप ले सकते हैं, या तो R1 R2 R3 से क्या ले सकते हैं आप कॉमन निकाल सकते हैं A B C, या C1 C2 C3 से क्या निकाल सकते हैं ABC कॉमन, तो जो आपको उचित लगे वैसे कीजिए। तो देखिए मैं लिखता हूं R1 R2 व R3 से ABC उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ निकालने टेकिंग taking a b c common from r1 r2 and r3। तो देखिए r1 r2 r3 से a b c वैल्यूज निकालने हैं तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, a b c बाहर आ गया, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का a, यहां से a बाहर आ गया b, यहां से ए बाहर आ गया सी, यहां से बी बाहर निकलेगा तो यहां से ए, यहां से माइनस बी और यहां से सी,
यहाँ से सी कॉमन बाहर आया तो यहाँ से ए बचेगा, सी कॉमन बाहर यहाँ से बी बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन आया माइनस का सी। अब देखिए दोबारा, देखिए सी वन से ए कॉमन आ जाए, सी टू से बी कॉमन आ जाए, और सी थ्री से क्या आ जाए, सी कॉमन आ जाए। तो देखिए सी वन सी टू व सी थ्री से ए बी सी वेनिस्ट निकालने पर, तो देखिए ए बी सी कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू सी थ्री, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा। देखिए ए बी सी पहले से बाहर है, ए बी सी और आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी बाहर पहले से ही है। सी वन से ए आएगा तो ए स्क्वायर बी वन, सी टू से बी आएगा बी स्क्वायर, सी थ्री से सी आएगा सी स्क्वायर। तो मैंने बाहर लिख दिया इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी वन से ए बाहर आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का वन, ये वन ये वन ये वन आ गया, और ये माइनस वन आ गया, और ये वन आ गया, ये वन वन, और ये आ गया माइनस वन। अब इजली से या तो इसका प्रसार कर दो या एक चीज को दोबारा जीरो कर दो, तो जीरो कर देते हैं। देखिए इसको जीरो करें तो देखिए क्या करेंगे, यानी C1 और C2 को मैं जोड़ दूं, C1 और C2 को जोड़ दूं तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए C1 plus 2 C1 plus C2 by operation संक्रिया, संक्रिया मैंने क्या लगाई, ये लगाई संक्रिया मैंने क्या लगाई C1 plus 2 C1 plus C2। तो देखिए डेल्टा बराबर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि जो परिवर्तन होगा ओनली सी वन में होगा, सी टू और सी थ्री ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो देखिए सी वन सी टू को जोड़ूंगा माइनस वन प्लस वन जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा टू, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन और वन 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 माइनस वन। तो देखिए मेरे पास में दो जीरो आ चुके हैं, मैं सी वन का क्या कर दूं, प्रसार कर दूं, तो सी वन का प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, अब क्या करेंगे सी वन का प्रसार करते ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, सी वन के अनुदिश, सी वन के अनुदिश प्रसार करने का। अब सीवन के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, इसका निकाल दें सीवन का, तो ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम पर आई है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो तीन प्लस एक चार प्लस का हो जाएगा, तो देखिए इसका प्रसार करेंगे तो ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी और ये पूरा चला जाएगा, तो दो दो को ले लें बाहर, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। इसको एक से करेंगे क्या आ जाएगा, एक एक को एक से माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक, और बाहर मेरे पास में क्या है भाई, बाहर मेरे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, मेरे पास में डेल्टा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, इंटू टू है टू, ये टू बाहर आ गया और एक प्लस ये एक हो गया, एक माइनस माइनस प्लस एक, ये दो हो गया, दो इंटू दो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका प्रूवमेंट आ गया। बस समझ आ गई भाई, यहाँ पे मैंने क्या किया सी वन प्लस सी टू, तो ये जीरो बच गया। अब देखिए ये कौन सी पंक्ति और कौन से कॉलम पर स्थित है, तो देखिए माइनस एक की पावर थ्री प्लस वन, ये जो टू है वो तीसरे रो
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे 3 + 1 = 4, तो ये प्लस का हो जाएगा 2, तो 2 मैंने मार लिया और 1 और माइनस इसका प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, 4a² b² c², तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। इसके बाद देखिए आगे, आगे क्वेश्चन है 15 का, इसको प्रूव करना है। इसका एक रूट दिया है x = 2 और इसके रूट भी ज्ञात करने हैं। ये दे रखा है x - 6 - 2 - 3x, x - 3 - 3 - 2x, और ये आ जाएगा x + 2 = 0, x = 2, इसका एक मूल है, इसका यानी कि x = 2 इसका एक रूट है, ये पता करना है और फिर इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो इसके बाकी जो रूट्स हैं वो भी आपको इसके निकालने हैं। तो देखिए x = 2 इसका एक रूट है, देखिए इसमें पता रख के देखते हैं, x = 2 रख के देखते हैं कि 0 = 0 होता है कि नहीं होता है। अगर 0 = 0 हो जाए तो x = 2 इसका क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा, इसका एक मूल हो जाएगा। तो देखिए इसमें x = 2 पुट करो, x = 2 इसमें पुट करो, 2 - 6 - 6 और -1 - 2 - 6 - 3 × 2 - 6, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 - 3 - 1, यहाँ से -3, ये हो जाएगा 6, हाँ सॉरी 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4। तो देखिए इसकी R1 और R2 यहाँ पर क्या है, R1 = R2 है, यानी कि R1 और R2 दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर है तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, तो 0 = 0 हो गया, तो x = 2 इसका एक रूट है, तो x = R1 = R2, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो x = 2 इसका एक मूल है, यानी कि x = 2 इसका क्या हो जाएगा, एक रूट होगा। अब इसके आगे इसको और सॉल्व करता है, इसके और भी रूट है वो निकाल ले, तो देखेंगे आगे और रूट निकालते हैं इसके। ये बात समझ में आ गई ना, x = 2 इसका रूट कैसे हुआ, R1 और R2 आपस में बराबर है, तो ये डिटरमिनेंट का मान 0, तो 0 = क्या हो गया, 0, यानी कि x = 2 इसका क्या हो जाएगा, एक रूट होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए इसमें बाय ऑपरेशन के थ्रू इसको करें तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं C1 और C3 को जोड़ दूं, C1 और C3 को जोड़ के देखता हूं, जरा देखिए क्या आता है, C1 + C3 बाय ऑपरेशन करता हूं संक्रिया, C1 + C3 किया मैंने, तो देखिए C1 + C3 x - 1 ये आ गया, यहां से देखिए x - 3 + 2
यानी कि 2x माइनस 3 के साथ जुड़ेगा तो प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस, क्योंकि c1 में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो चेंजमेंट आएगा इन दोनों को जोड़ने पर वो c1 में लिखा जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 2 इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि c1 और c3 को जोड़ेंगे तो वो जो चेंजमेंट होगा वो c1 में ही लिखा जाएगा, इसमें निकाल जाएगा c1 में, यानी x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 को जोड़ा तो क्या आ गया x माइनस 1, 2 और x माइनस 3 को जोड़ा तो क्या बच गया x माइनस 1, माइनस 3 और x प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब मैंने c2 और c3 को मैं कोई संख्या लगाई नहीं है तो ये ऐसे की ऐसे आ जाएगी माइनस 6 माइनस 3x और ये आ गया 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू और बराबर जीरो। ठीक है भाई, संख्या लगा दी मैंने सीवन टेस्ट टू सीवन प्लस सी थ्री, भाई ऑपरेशन सीवन टेस्ट टू सीवन प्लस सी थ्री, सीवन और सी थ्री को जोड़ा और सीवन के अंदर जनरेट हुआ। अब देखिए सीवन से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एक्स माइनस वन, तो देखिए सीवन से एक्स माइनस वन वैनिश निकाल लेता, वैनिश निकाल लेता, यानी कि टेकिंग एक्स माइनस वन कॉमन फ्रॉम सी वन, तो यहां से देखिए एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा 1 1 1 माइनस 6 माइनस 3x 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। अगर x माइनस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई भाई, क्या आ गई x बराबर 1 x minus 1 = 0 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 x minus 1 =
हो गया। अब देखिए इसको जीरो कर देते हैं, क्या करते हैं इसको जीरो करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, ऑपरेशन कर दे इसका, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन। आर टू को आर वन में से घटा दिया और आर थ्री को किस में से घटा दिया, आर वन में से। तो देखिए ये आ जाएगा, यानी कि आर वन में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, तो वन माइनस सिक्स माइनस वन, ये इससे गया जीरो, एक माइनस एक, आर टू वाले दिखा रहा हूँ, आर टू माइनस आर वन, एक माइनस एक जीरो, माइनस का थ्री एक्स, आर टू की जगह माइनस का थ्री एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का थ्री एक्स और ये आ जाएगा प्लस का सिक्स। यहां से देखिए आर टू एक्स माइनस थ्री और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा। क्यों आर टू क्या है एक्स माइनस थ्री और इस माइनस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस वन। आर थ्री आर वन को आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस वन आर वन, तो आर थ्री क्या है वन माइनस वन जीरो, और टू एक्स आर थ्री टू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स, एक्स प्लस टू आर थ्री क्या है एक्स प्लस टू और ये आ जाएगा माइनस आर वन माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा ये टू प्लस वन
थ्री हो जाएगी और बराबर क्या है जीरो। अब देखिए आर वन के अनुदिश इसका प्रसार कर दें, क्या कर दें आर वन के अनुदिश इसका प्रसार कर दें या इसका एक्सटेंशन कर दें, तो देखिए आर वन के अनुदिश क्योंकि मेरे पास में दो जीरो आ गए अब मैं इसका प्रसार करता हूँ। देखिए भाई आर वन के अनुदिश प्रसार करने पर यानी कि ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए ये पूरा चला जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा ये, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस टू आ जाएगा, तो वन जैसे क्या आ जाएगा वन, तो मैं ले लूँ बाहर, ठीक है भाई। और सॉरी सी वन के अकॉर्डिंग करेंगे भाई, आर वन नहीं है सी वन के अकॉर्डिंग, सी वन के अनुदिश प्रसार करेंगे क्योंकि दो जीरो इसी में है, सी वन के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये चला जाएगा ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस थ्री, और ये ऐसे करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स और एक्स माइनस टू और बराबर क्या आ जाएगा जीरो। एक लेंगे तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, आगे वाले दो का निकालेंगे तो वो सब जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहां से ये एक्स माइनस टू है, यहां से मैं माइनस का थ्री कॉमन लेता हूं, यहां से माइनस का थ्री कॉमन दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, यहां से एक्स प्लस थ्री और माइनस टू एक्स प्लस सिक्स और एक्स माइनस टू बराबर जीरो, दोनों में एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू कॉमन आ गया तो माइनस का थ्री और एक्स प्लस थ्री माइनस, और ये आ जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स, ये माइनस की वजह से क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स, ऐसे कर देंगे बराबर जीरो। तो एक्स माइनस टू यहां से देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो यहां से आ जाएगा देखिए एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दो, तो यहां से एक रूट और आ गया इसका एक्स बराबर दो, ये तो आ चुका पहले ही हमारे पास में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स माइनस का नाइन माइनस का टू एक्स माइनस का सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स और माइनस का नौ छह पंद्रह बराबर जीरो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का तीन, से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस तीन, तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या क्या आ गए, तो जो रिमाइंडर रूट्स थे जो शेष रूट कौन कौन से हो गए, एक हो गया और माइनस का तीन, तो रूट कौन कौन से प्राप्त हुए हमारे को x बराबर एक दो और माइनस तीन, ये रूट प्राप्त हुई। अब आगे क्वेश्चन है देखिए 16 का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 16 का।
ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी और माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी बराबर टू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आपको प्रूव करना है भाई, टू ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसको प्रूव करते हैं, डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए या तो इसमें देखिए ये लगा दो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 और C2 टेंस टू C2 प्लस C3 या इसमें लगा दो आप R1 टेंस टू R1 प्लस R2 और या लगा दो R2 टेंस टू R2 प्लस R3। आपकी जो इच्छा हो वो आप इसमें बाय ऑपरेशन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो देखिए मैं जो ऑपरेशन करूंगा वो देखिए क्या लगा रहा हूं उसमें बाय ऑपरेशन C1 टेंस टू C1 प्लस C2 और C2 टेंस टू C2 प्लस C3। ये संख्या मैंने लगाई है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 और C2 टेंस टू C2 प्लस C3। तो देखिए डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में C1 ये C2 ये C3 ये। तो देखिए C1 प्लस C2 किया मैंने तो A प्लस B प्लस C और C2 प्लस C आएगा तो ये माइनस का C आपस में कटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस B और ये माइनस का C कटेगा तो ये यहाँ पर भी क्या आ जाएगा A प्लस B क्योंकि C1 प्लस C2 करेंगे ये C1 है ये C2 है तो C1 C2 करेंगे माइनस C प्लस A प्लस B प्लस C C से C कटेगा A प्लस B बच गया और इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का A प्लस B क्योंकि इसको हम माइनस दोनों में कॉमन ले देंगे तो ये क्या बन जाएगा क्योंकि C1 माइनस B और C2 माइनस A दोनों माइनस कॉमन आ गया A प्लस B। अब मैंने क्या संक्रिया लगाई है C2 टेंस टू C2 प्लस C3 यानी C2 और C3 को जोड़ा ये C2 है ये C3 है दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा B प्लस C और A से A कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा B प्लस C और यहाँ से A कटेगा तो ये कट जाएगा C2 तो A कटेगा तो यह आ जाएगा B प्लस C और C3 ऐसी की ऐसी आ जाएगी माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B। ठीक है साहब अब देखिए C1 से A प्लस B कॉमन आ रहा है C2 से B प्लस C कॉमन आ रहा है तो देखिए C1 C2 से C1 व C2 से A प्लस B और B प्लस C वेरिस्ट निकालने पर लेकिन ए प्लस बी बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू तो ए प्लस बी बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए
डेल्टा बराबर ए प्लस बी, बी प्लस सी कॉमन निकालिए, तो यहाँ से तो आ जाएगा वन वन माइनस वन, यहाँ से माइनस वन और ये आ जाएगा वन और ये वन आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए और सी प्लस ए प्लस बी, ये चीज आएगी। अब देखिए इसको अगर जीरो करें तो मैं कर सकता हूं सी टू और सी वन को जोड़ दे, सी वन टेस्ट टू बाई ऑपरेशन कर दे इसका, सी वन टेस्ट टू सी वन प्लस सी टू कर दो, लगा दे सी वन टेस्ट टू सी वन प्लस सी टू लगा दे तो देखिए एक माइनस एक जीरो, ये एक एक दो आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, सी वन के अकॉर्डिंग प्रसार कर देंगे इसका, तो देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये सी वन प्लस सी टू करूंगा तो एक माइनस एक जीरो, और ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू टू और माइनस एक एक जीरो और माइनस वन वन वन, माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है भाई। अब देखिए सी वन के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो, क्या कर दे सी वन के अनुदेश प्रसार कर दो, सी वन के अनुदेश प्रसार करने पर सी वन के ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन। अब देखिए सी वन में हमारे पास टू बचा है, यानी कि टू कौन सी रो कौन से कॉलम पर आई है, टू कौन से रो और कौन से कॉलम पर, सेकेंड रो पर, तो यानी कि माइनस एक की पावर दो प्लस एक तीन होगी, यानी कि ये दो जो आएगा वो माइनस का आएगा, इसका आएगा माइनस का आएगा बी प्लस सी, और माइनस का क्या आ जाएगा टू, माइनस का टू यानी कि ये पूरी रो चली जाएगी और ये पूरा कॉलम चला जाएगा, तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ए माइनस का सी माइनस का ए माइनस का बी, और प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी, देखिए ये क्या आ जाएगा बी से बी कट जाएगा, बी से बी कटेगा और ये माइनस का कॉमन ले लें तो ए प्लस सी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेके ये माइनस टू से अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और साथ में क्या आ जाएगा टू, यही प्रूव करना था, ये आपका मूवमेंट आ गया टू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये आपको प्रूव करना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था भाई ये क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सेवनटीन का भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, क्वेश्चन नंबर 17 हम कल निकालेंगे। देखिए ये थे हमारे पास में विविध के यानी कि मिस्केलियस के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक हो गए, तो बाकी के हम कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।